ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है, एक बार पेड़ा आया हुआ था कहीं से, क्लास में गिना चुना था, भाई बहन थे, हिस्ट्री हॉल में तब क्लास भी शुरू हो गई। तो बाबा ने एक बहनों की तरफ से बुलाया, एक भाइयों की तरफ से। वैसे तो बाबा खुद पेड़ा बांटते थे, खुद ही क्लास के बाद टोली देते थे सबको। बाबा ने कहा कोई सभा से आए बहन, बहनों को बांटे, और भाई आए भाइयों को बांटे। तो भाई जब आया तो बाबा को भाइयों की कमजोरी भी मालूम है और माताओं बहनों की भी मालूम है। भाई जब आया उसने पॉट को हाथ लगाना चाहा, तो पहले बाबा ने कहा ठहरो बच्चे ठहरो, ये बताओ 6 महीने से गुस्सा तो नहीं किया है? अगर गुस्सा किया है तो नहीं बांटना। वो भाई तो वहीं रुक गया, क्योंकि जोश आवेश आना तो साधारण बात है। और उस बहन से पूछा कि 6 महीने तक रोया तो नहीं है? अगर रोया है तो टोली नहीं बांटना। दोनों रुक गए। फिर बाबा ने उसको उठाया और उठा करके सारी क्लास को ऐसे से देने लगे। मैं छोटी थी तो दौड़ दौड़ के उठ उठ के मैंने, तब पट में क्लास होती थी, 5 पेड़े कैच कर लिए, सबको मिल गया। बाबा ने मुझे बुलाया, कहा बच्ची कितने पेड़े उठाए? मैंने कहा बाबा 5। हम तो बहुत खुशी में बोले 5। बाबा बोले बच्ची ठीक है, कैचिंग पावर तुम्हारी है, तुमने कैच किया, लेकिन ये सोचा कि ये मेरा परिवार है, भाई बहनों के गिनती का पेड़ा है और हर एक को एक एक मिलना है, तो अगर तुम 5 लेंगी तो 4 भाई बहन को तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए कायदा कहता है कि ये 4 पेड़े तुम्हें लाके स्पॉट में रखना चाहिए। किसी परिवार में बहन भाइयों का हक नहीं लेना है। तो उस समय से लगा ये हमारा बेहद का दैवी परिवार है, ईश्वरी परिवार है, हर चीज़ का, हर बात का, हर एक को हक बराबर मिलना चाहिए। तो उस तरह से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया कि सबका हक बराबर है, केवल एक व्यक्ति का नहीं है।